ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल माझीवाड़ा के पास एक टेम्पो पलट जाने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 29 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये सभी मुंब्रा और कलवा के रहने वाले थे। ये लोग बीएमसी में झाड़ काटने के लिए जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रेक्टर है, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि मजदूरों को लाना और ले जाना, मगर हादसे के बाद कॉन्ट्रेक्टर ने इन 29 लोगों को देखने तक नहीं आया। कॉन्ट्रेक्टर का नाम इमरान बताया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल लोगों को ठाणे के सिविल अस्पताल और कलवा शिवाजी अस्पताल, साइन और जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद एक की मौत हो गई थी और वहीं 6 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं कल रात ठाणे के सिविल अस्पताल में घायलों को देखने के लिए आमदार जितेंद्र आव्हाड और सुनीता ताई सातपुते मिलने के लिए पहुंचे थे। इन लोगों ने घायलों से मुलाकात किया और हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, मगर वहीं 6 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अभी हादसा हुआ है तो उसको लेकर कि मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो दवे उनको काम पे लेके जाता था, उसकी जिम्मेदारी है। इनका खर्चा, इनका दवा पर दवाई पानी करना इनकी उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो कानून है उस कानून में आदमी जब घर से निकलता है, अगर वो उसके बस में बैठा है तो फिर काम से जिस समय वो बस में बैठा हो, इधर से लेके वो बस से वापस आने तक ये पूरा काम ही है, तो इसमें जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की आएगी। कॉन्ट्रैक्टर को इसको पैसा देना पड़ेगा। मैं कल पुलिस से बात करने वाला हूँ। इनके लिए जो मतलब सहायता बीएमसी की तरफ से रहेगा या आपकी तरफ से? ऐसा बीएमसी ये प्राइवेट काम है, प्राइवेट काम में अभी मेरे को कल पुलिस से बात करना पड़ेगा। बाकी जो भी मामूली है, हम दवाई पानी का खर्चा तो हम करते ही रहेंगे, उसको देख लो गुजर जाए, उनके लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा। तो जिनकी डेथ हो गई दो लोगों को, उन लोगों के लिए आप आगे क्या करना चाहिए? तो गरीब लोग हैं, मुझे लगता है कि अभी मालूम नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं से बात करके थोड़ा सा कुछ और इलाज का जो है वो भी करें, उसका खर्चा मैं करूँ। जो आज हादसा हुआ है तो आप हॉस्पिटल से जायजा लेने के लिए आए, तो क्या आपको यहाँ ऐसा मिला? ऐसा पता चला है कि ये जो बच्चे हैं हमारे मुंब्रा के बच्चे हैं, और ये देखो अभी नौकरी नहीं मिलती बच्चों को, बेरोजगार है सब, तो बच्चे जहाँ काम मिले वहाँ भाग रहे। तो ये जो बारिश की सीजन में जो झाड़ तोड़ने का काम रहता है,
तो उसमें बीएमसी की तरफ से ये लोग हर साल वो काम के लिए जाते हैं। जैसे अभी उनका एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो उनकी उसकी टेम्पो से ये लोग जा रहे थे और टेम्पो थाना में पलटी हुआ और उसमें ये बच्चे घायल हो गए। अभी वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनके साथ ये लोग काम करते हैं, तो उसका फर्ज है कि उसको आना चाहिए, इनके इनके बारे में इनकी थोड़ी पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर जिसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो अभी मैंने सबसे बात किया, बच्चों की किसी की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर है, सबको छिलते निकले सबके, और बच्चे नए नए बच्चे जो काम की तलाश में, हम नया काम मिला हमको इसलिए हम लोग काम के लिए जा रहे थे। मैंने अभी मुंबई के जो महापौर है महाड़ेश्वर, उनसे मेरी बातचीत हो गई फ़ोन पर, तो उन्होंने मुझे कल 2 बजे का टाइम दिया है। तो मैं तो उनसे इसलिए जा रही हूँ उसको उनको मिलने के लिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर बीएमसी का, उसको आप पहले सामने बुलाओ, उससे पूछो कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने पहले उनका पहले का पगार भी उनका बाकी है वो भी दिया नहीं है, बच्चों के साथ हमेशा दादागिरी भी करता है, और अभी वो देखने को भी नहीं आया, पूछताछ करने के लिए हाल उनका पूछने को आया नहीं है। तो पहले उसको पकड़ के ला, उसको हाजिर करो और उससे पूछो कि तुम इंसान हो, ये इंसान है ये बच्चे, तो हम इंसान को ऐसे लावारिस छोड़ नहीं सकते, हमारा फर्ज है कि इनके साथ में उनको न्याय दिलाना, उनको दवा पानी करना। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो कहीं भी वो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो उसको आना चाहिए, और मैं कल उनके लिए बीएमसी जाकर उनके लिए कोशिश करने वाली हूँ। सिविल वॉर 2 साइड पर 2 गाड़ी आया जिसमें अपना गाड़ी था, ये साइड का गाड़ी भी गवर है, ये साइड का गाड़ी भी गवर है, तो ड्राइवर ने क्या किया, थोड़ा स्पीड से ना आगे टर्न करने गया था, तो टर्न किया उसने, कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी उलट पलट करके ना पलटी, तो अपना 9:10 का 20 घायलों का इलाज चल रहा है, मगर कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही बताई जा रही है। जो लोग भर्ती हैं उनके इलाज का खर्च भी माफ करने की बात सामने आ रही है। वहीं सुनीता ताई ने इस पूरे मामले में बीएमसी के महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर से इस दुर्घटना के संदर्भ में मुलाकात करेंगी, क्योंकि कुछ घायलों का कॉन्ट्रैक्टर पैसा भी बाकी है, ऐसा सुनीता ताई सातपुते ने बताया है। फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।